अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोकेटिव चैनल। कोकेटिव चैनल वेलकम। आपके प्यारों का चाहतों का बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, इस तरह प्यारों को देते रहिएगा। अच्छा, आज का जो टॉपिक वो एलईडीज के लिए, फिर मैंने बेसिकली ये कुछ एलईडीज सीक्वेंस वाइज आ रही थी, तो मैं कहते सीक्वेंस वाइज ही इनको मैं कवर करता जाऊँ। बेसिकली सचेस बीच में 50 लॉन्च हुई सबसे पहले, फिर 55 हुई, फिर 65 हुई, आज मेरे पास जो ये 43 इंचेस का आ गया यूनिट। TCL का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मजे का यूनिट है। और इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या है और इसकी प्राइस क्या है, दोनों चीजें, इंफॉर्मेशन और प्राइस दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। मॉडल जो लिया है इसका 43P755। लास्ट वीडियोस मेरी थी वो 65 के इंचेस के अंदर थी, ये 43 की है बेसिकली। और बीच में डिस्कंटिन्यू ऐसे हुआ कि यूनिट्स आ नहीं रहे थे, मैं कहा जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 43P755 TCL का LED, ये TCL का 43 इंचेस के अंदर, इसके अंदर ऑप्शन क्या है, USD रखा है, 4K यूनिट है और इसके वही पिक्सल्स वही 3840 और 2160 पिक्सल्स है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल्स। और उसके बाद गूगल टीवी है, बेस्ड ऑफ गूगल टीवी के अंदर होगा, देख लेंगे आप। और इसके अंदर जो ऑप्शंस पिछले मॉडल से जो प्लस किए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बनिस्पत इसे कि उसको इसको कंपैरिजन लें। इसमें अभी इन्होंने ऑप्शन जो प्लस किए हैं, हेल्थ केयर आई ऑप्शन प्लस कर दिए, हेल्थ केयर कर दिया, आई हेल्थ केयर कर दिया, जो आपकी आंखों को थकने नहीं देता। साधा डिफाइन करता रहता हूँ कि है क्या क्या वो हेल्थ केयर है। बेसिकली रूम को कलर के हिसाब से, अपनी रूम की लाइट के हिसाब से अपने कलर की एडजस्टमेंट करता है। सेकेंडली इसकी ब्लू लाइट्स या व्हाइट लाइट्स जो बहुत हाईटेक होती है तो नॉर्मली आंखें थक जाती हैं, ज्यादातर आप मैच वगैरह देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं तो उसको कंफर्टेबल हेल्थ केयर आई पे कर देते, इसको कंफर्टेबल कर देता है, आपको आई को कंफर्टेबल कर देता है, थकने नहीं देता और दूसरा आंखों में पानी नहीं आने देता, ये हेल्थ केयर ये काम कर रहा था। दूसरा इसमें टी स्क्रीन ऑप्शन प्लस की है। टी स्क्रीन ऑप्शन क्या कर रहा है, टी स्क्रीन ऑप्शन बेसिकली सचेस आपके एंगल को प्लस करता है और ब्लू स्क्रीन्स को जो बहुत हाईटेक होती हैं बड़ी ब्लू को ब्लैक में कर देता है, ब्लू को प्रॉपरली क्लियर करता है, टी स्क्रीन ये काम कर रही है। और एंगल मतलब 90 डिग्रीज में जाते हो तो 90 डिग्री में आपका एंगल बड़ा बेस्ट रहता है, ब्रल नहीं होती पिक्चर की, अगर आप लेफ्ट राइट में ज्यादा चला जाते हो तो पिक्चर बेहतर रखता है, टी स्क्रीन ये भी काम कर रही है। और बाकी ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर वो हेल्थ केयर आई ऑप्शन है, सॉरी हेल्थ केयर तो हो गया, और डॉल्बी एटमोस है। डॉल्बी एटमोस पहले कंसीडर किया जाता था, डॉल्बी एटमोस जो था वो सिर्फ आपकी मूवी शूटिंग के लिए इसके लिए था, अब कंपैटिबल टू कर दिया है गेमिंग के लिए। थोड़ा सा मैं गेमिंग नजर आता हूँ, थोड़ा सा बता दो इसमें, अगर कि आप इतनी महंगी प्रोडक्ट किसी और अदर ब्रांड से लेते हो तो ये थोड़ी भी कॉस्टली तो है, लेकिन बट ये है कि इसमें डॉल्बी एटमोस आपका साउंड बहुत अच्छा कर देता है, आवाज बहुत क्लियर हो जाती है, सरमे जैसी साउंड हो जाती है। और दूसरा इसमें DTS वर्चुअल रियलिटी X वो भी अवेलेबल है जो साउंड को बहुत प्लेजेंट करता है, बेहतर करता है। और तीसरा इसके अंदर आप ऑप्शंस में जाएंगे तो इसमें ऑप्शंस के साथ डॉल्बी एटमोस के अलावा डॉल्बी विजन भी है, इसमें डॉल्बी विजन जो आपके पिक्चर क्वालिटी को बहुत प्लेजेंट करता है, अच्छा करता है, जैसे सिनेमा साउंड होती है, जैसे सिनेमा पिक्चर होती है ऑलमोस्ट उस तरह क्रिएशन दे देता है डॉल्बी एटमोस विजन ये। और तीसरा ऑप्शन में हम काफी ऑप्शन हैं, तीसरा तो वैसे मुझसे निकल गया। और हम गेमिंग के लिए बात करेंगे ALLM के लो लेवल मेजेस्टिक जो इसमें ALLM है वो अवेलेबल है, GIG अवेलेबल है, HIG अवेलेबल है और माइक्रो डीमिंग अवेलेबल है। और उसमें जाएंगे गेमिंग के लिए, जब अटैचमेंट लेते हो आप कोई कंसोल लगाते हो, बार खोल लेते हैं अपनी बार के साथ एम सेट भी कर सकते हो अपनी, और कोई एच फ्लिकरिंग है एच फ्लिकरिंग भी खत्म कर सकते हो। गेम मास्टर इन्होंने इसका ऑप्शन दिया हुआ है, मैं अगर आपको भाई थोड़ा कहीं से दिखाएंगे मैं एंड में दिखाता हूँ ग्रीन में। गेम मास्टर ऑप्शन भी है इसके अंदर, गेम मास्टर इन्होंने स्पेशल दिया हुआ है कि गेम मास्टर ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। देख रहे हो सारी ऑप्शन है, HD या 10+ के साथ इन्होंने दिया है। सॉरी मैं बीच में से कुछ चीज़ अगर मिस कर जाऊँ तो बड़ी बड़ी माजरत है। उसके अलावा मजीद अगर जाएंगे तो 2.1 HDMI जिसमें आपको ये ऑप्शन दे रहा है, कोई डेटा लगा रहे हो कंसोल लगाया कोई, आपने डेटा बहुत स्मूथली फॉरवर्ड कर देता है 2.1 HDMI की वजह से। अब मैं थोड़ी सी पिक्चर दिखा देता हूँ और सेटिंग को भी समझा देता हूँ। पिक्चर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से आके हमने सेंट्रल लास्ट में देना है जो नॉर्मली हम सिस्टम को एक्टिवेशन लेते हैं। अच्छा हाँ, इसके अंदर किया क्या है जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर आपको डिफाइन कर देता हूँ इसका, कि जब इसके हम अबाउट में जाते हैं सिस्टम एक्टिव करते हैं, सिस्टम एक्टिव करके अबाउट में जब जाएंगे तो वर्जन इसका 12 दिया हुआ इन्होंने,
जैसे मैंने बताया था उसमें 5 फरवरी 2024 को एक्टिवेशन हुआ है, अगर मैं गलत ना हो तो शायद ये 2025 तक भी 2012 चलेगा। और रैम रोम की हम बात करेंगे तो रैम रोम वही 16.2 ही है, 8.9 इसकी है, यानी कि 16 दी हुई है, बाकी स्पेशल उसने नहीं हुई है, 16+2 रैम रोम आ जाता है इसका। और मैं डेमो एक्टिव करने का बात किया, मतलब कि गेम मोड वाले जो है ना रात हुई गेम मोड के लिए HDMI पोर्ट लगा हुआ है इसका, जो 3 HDMI पोर्ट है इसकी, उससे HDMI पोर्ट जो लगाना है आपने वो लगा के फिर गेम मोड को एक्टिवेशन मिलेंगे आप। एडवांस सेटिंग में आते हैं हम, एडवांस सेटिंग में आते हैं यूजर मोड, होम मोड पे रखेंगे तो ये आपने अपने ही हिसाब से चलता जाएगा, अगर स्टोर मोड पे करेंगे तो फिर इसका डेमो जो ये डेमो जो है ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन हो जाता है, बार बार एक्टिवेशन होता जाएगा। तो इसको यहाँ से ऑफ रखें, हम शॉप में बेसिकली डिस्प्ले वगैरह करते हैं तो डेमो एक्टिवेशन लेते हैं इसकी, ताकि डेमोज के अंदर आपका सिस्टम हमारा जो कलर स्कीम है कस्टमर जो देखने होती है, साउंड चेक करनी है, वो सारा देख लेता है। बाकी भी और हो तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा ये डेमो एक्टिवेशन हो गया, पिक्चर क्वालिटी नॉट आउट पहले से बहुत अच्छी है, बेहतर के लिए इन्होंने पिक्चर क्वालिटी को बेहतर कर दिया है, जैसे अब इसके डॉकर चल रहे होंगे ये, अगर आप इसको एक्टिवेशन करते तो इस तरह बार बार ना अगर आप टीवी केबल या मैच वगैरह देख रहे हो बार बार ये एक्टिवेशन होती जाएगी। 2.1 HDMI Dolby Atmos Vision HDR10+ टी स्क्रीन और DTS MEMC और गेम मास्टर मल्टी आई केयर, ये ऑप्शन सारी इसमें अवेलेबल हैं जो मैंने आपको डिफाइन कर दी है। अच्छा अब जो चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ, प्राइस अभी तो फुलवर्क लॉन्चिंग है इसकी, थोड़ी सी जरा ज्यादा है 103 की है, 1,03,000 रुपए की है, लेकिन बट डिस्काउंट हो जाएगा इसमें और मुझे उम्मीद है कि प्राइसेस इसमें मजीद मिनिमाइज हो जाएगी, लेकिन अभी प्राइस की 103 है, 1,03,000 रुपए प्राइस रखी हुई है इन्होंने, और इसके अलावा कोई आएंगे तो डिस्काउंट वगैरह मजीद हो जाएगा। इसके अलावा और के बाकी रहेंगे, बाकी इसके अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन होगा मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्यार मोहब्बत चाहतों का बहुत शुक्रिया, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।